रामगंज थाना अंतर्गत दो मकानों में हुई चोरी, लगभग 1.25 लाख के माल पर किया हाथ साफ। रामगंज थाना क्षेत्र में दो अलग अलग मकानों को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने लगभग 1.25 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग IBTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। एक मकान में किरायेदार अब्दुल हमीद ने बताया कि वे लोग घर से बाहर गए हुए थे, पीछे से चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर में रखा सामान चुरा लिया। चोरी गए सामान में सोने की अंगूठी, नथ, चांदी की चेन और बिछिया, 7,000 रुपए की नकदी और रसोई के बर्तन शामिल हैं। चोरादारों को बाहर गए हुए थे तो हम 19 तारीख को आए वापस, तो हमने देखा मेन गेट का ताला लगा हुआ है और कमरे का ताला टूटा हुआ था, ताला भी नहीं मिला। मैं यहाँ पे जो कमरा खुला तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, तो हमने सामान चेक किया और मकान मालिक बुलाया, हम किराए से रहते हैं यहाँ पे, उनको दिखाया भी ये घटना हुई, तो उनका मतलब सामान चेक करने के लगा है, तो उसमें से बैग में से अंगूठी, सोने की नाक में पहनने की रिंग, चार पैरों की बिछिया और 5,000 रुपये कैश थे उसमें, तो सब नहीं मिले। फिर हम जो किचन में गए तो वहाँ से देखा था वहाँ पर नहीं गए, तो दो तो प्रेशर कुकर है, एक मिक्सर है, कढ़ाई है, भगोनी सब्जी बनाने की और फ्राई पैन वगैरह, और लगभग कितने का माल गया? लगभग 25 से 30 हजार के बीच का माल। दर्ज करा दिया आप लोगों ने? मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं एक नए बने मकान में केयरटेकर इलियास खान ने बताया कि मकान अभी नया बना है, यहाँ कोई रहता नहीं, लेकिन अज्ञात चोरों ने यहाँ से महंगे नल, LCD सहित अन्य सामान चुरा लिया। मकान मालिक फारूक खान ने इस आशय की रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में जाँच कर रही है। नगर दोहरे में है जी, ये अभी 2-3 दिन पहले अपने यहाँ चोरी हो गई थी। ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, ये बंद रहता है मकान, तो यहाँ पर अंदर ताला तोड़कर और आ गए चोर, तो इसमें नल थे, LCD वगैरह थी, 60-70 हजार का टोटली सामान था, सारा सामान लेके चले। ये इसका मकान खाली पड़ा है जी? अभी ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर कोई रहना नहीं लगा है, ये बंद ही रहता है। मुकदमा दर्ज कराया आप लोगों ने? जी मुकदमा दर्ज करा दिया रामगंज थाने में। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम इलियास खान है, ये मकान है फारूक खान।